नमस्कार, अर्थ मैटर्स के इस खास प्रोग्राम में मैं माइक पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम ले चलते हैं आपको एक अनोखे सफ़र पर, और इस बार ऑलरेडी टर्टल्स यानी समुद्री कछुओं के अनोखे संसार में। भारत विश्व भर में ऑलरेडी टर्टल्स का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। लाखों की तादाद में यहाँ कछुए आते हैं प्रजनन के लिए। हर वर्ष जनवरी से अप्रैल तक लाखों की संख्या में ऑलिव रिडली टर्टल्स भीतरकनिका के इस तटवर्ती इलाके पर आते हैं, गड्ढा खोदते हैं और उसमें अंडे देते हैं। प्रजनन के बाद ये कहाँ जाते हैं ये आज भी किसी को नहीं मालूम। तो आइए नज़दीकी से देखते हैं ऑलिव रिडली के अनोखे संसार को। उड़ीसा के पूर्वी तट पर खतरे से घिरे ऑलिव रिडली कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल मौजूद है। ये बंगाल की खाड़ी के सबसे उथल पुथल वाले और क्रियाशील स्थलों में से एक है। यहाँ हाल ही में भारत में सबसे खतरनाक टाइफून और चक्रवात भी आए। यहाँ गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। जनवरी की शुरुआत में रात ढलते ही विशाल आकृतियां नजर आने लगती हैं। इस समुद्र तट पर मीलों तक कछुए घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त जगह तलाशने लगते हैं। जनवरी से अप्रैल के बीच हजारों ऑलिव रिडली कछुए इस तट पर पहुंच जाते हैं। उड़ीसा के तट पर भीतरकनिका से लेकर ऋषिकुलिया तक दुनिया में ऑलिव रिडली कछुओं का घोंसले बनाने का सबसे विशाल पर्यावास है। ये माना जाता है कि यहाँ कछुए पूरी दुनिया से आते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जल राशियों में अपना पेट भरते रहते हैं और हर साल यहाँ अंडे देने के लिए लौटते हैं। ऑलिव रिडली कछुओं का घोंसला बनाने का 6 महीने की अवधि वाला मौसम नवंबर के शुरू में आरंभ होता है। पहले नर यहाँ पहुँचते हैं और जल्दी ही मादाएं भी उनसे आ मिलती हैं। इनका प्रणय महासागरों में होता है। जनवरी आते आते मादाएं अंडे देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तब अरिबादा नाम का ये दौर शुरू होता है। नर तट के आसपास ही रहते हैं, जबकि गर्भवती मादाएं तट की ओर बढ़ जाती हैं। फरवरी आते आते अरिबादा अपने चरम पर होता है। रोजाना हजारों की तादाद में कछुए यहां सामूहिक रूप से घोंसला बनाने के लिए पहुंचते हैं। कछुए रात ढलते ही यहां पहुंचने लगते हैं और सुबह होने तक आते रहते हैं। इस दौरान घोंसले बनाने की गतिविधि पूरे जोरों से शुरू हो जाती है। ये कछुए अपने मजबूत फ्लिपरों से जमीन खोदने का काम लेते हैं। घोंसले उस जगह से 10 से 20 मीटर तक दूर बनाए जाते हैं जहां तक ज्वार का पानी पहुंचता है। जब घोंसले की गहराई आवश्यकता के अनुसार हो जाती है तो मादाएं अंडे देने की तैयारी शुरू करती हैं। चिपचिपा तरल नर्म अंडों को नुकसान होने से बचाता है। ये एक बार में 150 तक अंडे दे सकती हैं और कोई एक मादा एक मौसम के दौरान घोंसला बनाने के लिए 2 या 3 बार यहां लौट सकती है। एक साथ घोंसले बनाने का ये मौसम कई हफ्तों तक जारी रह सकता है। अंडे देने के बाद ऑलिव रिडली कछुओं का ये मशहूर रॉक एंड रोल नृत्य शुरू होता है। घोंसले को बड़े एहतियात से ढका जाता है। कभी कभी मादाएं आसपास मंडराने वाले संभावित परभक्षियों को गलतफहमी में डालने के लिए एक नकली घोंसला भी बनाती हैं। अंडे
अंडे देने की प्रक्रिया में रिडली कछुए पूरी तरह थक जाते हैं और फिर वो समुद्र के पुरसुकून और सुरक्षित माहौल की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं। 6 महीने तक चलने वाले घोंसला बनाने के मौसम के दौरान ये कछुए समुद्र तट के नजदीक ही रहते हैं। जब अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तभी ये तटीय इलाकों से दूर अंतरराष्ट्रीय जल राशियों की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने घोंसलों वाले इस पूरे इलाके को एक समुद्री अभयारण्य घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में मैकेनाइज्ड ट्रॉलरों के इस्तेमाल और कमर्शियल फिशिंग की इजाजत नहीं है। स्थानीय मछुआरों की मछली पकड़ने वाली छोटी नौकाओं की ही इजाजत होती है, लेकिन मछली पकड़ने की मनाही वाले क्षेत्रों के 20 किलोमीटर के दायरे में फिर भी सैकड़ों ट्रॉलर और नावें मछली पकड़ते रहते हैं, जिससे रोजाना सैकड़ों कछुओं की जान जाती है। कुछ कछुए ट्रॉलरों के प्रोपेलर्स के जरिए मारे जाते हैं तो और बहुत से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाते हैं। तट रेखा से 20 किलोमीटर के दायरे में ट्रॉलिंग पर सरकारी रोक है। इस संरक्षित इलाके में प्रजनन के मौसम के दौरान मैकेनाइज्ड ट्रॉलरों और मछली पकड़ने वाली नावों की आवाजाही पर और सख्ती से रोक लगाए जाने की जरूरत है। इन जलराशियों में मछली पकड़ने वाले हर ट्रॉलर के लिए ये जरूरी है कि बेशक वो संरक्षित इलाकों से बाहर मछली पकड़ रहे हों, पर वो ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करें जिनसे कछुए बचकर निकल सकें। बदकिस्मती से ऐसे ज्यादा ट्रॉलर नहीं मिले जो इस उपकरण का इस्तेमाल कर रहे थे। पिछले कुछ एक बरसों के दौरान 1 लाख से ज्यादा ऑलिव रिडली कछुए उड़ीसा के तट के पास मारे जा चुके हैं और ये सभी मछली पकड़ने के जालों का शिकार बने। सैकड़ों मृत कछुए तट पर पड़े हुए हैं, जिनकी तरफ कुत्तों, कौओं और शिकारी पक्षियों जैसे अपमार्जक आकर्षित होते हैं। मरे हुए कछुओं को खाने के बाद ये जीव रिडली कछुओं के घोंसलों की तरफ बढ़ जाते हैं। और दक्षिण में ऋषिकुलिया उड़ीसा के तट पर ऑलिव रिडली के घोंसलों वाले 3 मशहूर स्थानों में से एक है। यहां फिलहाल काफी तेज गतिविधियां चल रही हैं। कछुओं ने हजारों अंडे दिए हैं जो रेत में सुरक्षित दबे पड़े हैं। अनुमानों के अनुसार इस साल यहां 2 लाख से ज्यादा कछुए पहुंचे हैं, जिन्होंने 5 वर्ग किलोमीटर वाले इस क्षेत्र के लगभग पूरे हिस्से में ही अंडे दिए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अरिबादा नामक अवधि में ये कछुए लाखों की तादाद में अंडे देते हैं, लेकिन हर मादा ही अंडे देने के लिए ज्वार की लहर से ऊपर वाली जगह नहीं पहुंच पाती। कुछ मादाएं भीड़ भरे तट पर अंडे देने की कोशिश में इतनी बेताब हो जाती हैं कि उन्हें जहां जगह मिलती है वो वहीं घोंसला बना लेती हैं। कभी कभी तो ये घोंसला पहले से मौजूद घोंसले के ऊपर या पानी के बहुत पास भी होता है। इससे ऑलिव रिडली कछुओं के लिए एक नई तरह का खतरा पैदा होता है। ज्वार के दौरान तेज लहरों की वजह से हजारों अंडे जमीन से बाहर आ जाते हैं। इन्हें आमतौर पर स्थानीय समुदाय और गांव वाले इकट्ठा कर लेते हैं और अपमार्जक हजारों अंडों को तबाह कर देते हैं। अनुमानों के अनुसार इस तट पर दिए गए 70% से ज्यादा अंडों में से बच्चे नहीं निकल पाएंगे। समुद्र की लहरें रोजाना 1000 से ज्यादा घोंसलों को बर्बाद कर देती हैं। ऑलिव रिडली कछुए संकट में हैं। लेकिन इस साल स्थानीय समुदायों, गांव वालों और मछुआरों के व्यवहार में एक परिवर्तन आया है। स्थानीय गैर सरकारी संगठन की मदद से ये लोग लहरों से खतरा झेल रहे घोंसलों को बचाने के लिए आगे आए हैं।
हजारों अंडों को इकट्ठा करके एक ऐसे सुरक्षित क्षेत्र में जमा किया गया जहां तक ज्वार की लहरें न पहुंच सके। स्थानीय समुदाय इन अंडों को अपमार्जकों और गैरकानूनी शिकारियों से सुरक्षित रखने के लिए एक स्थानीय बचाव दल का गठन करने में कामयाब रहे हैं। ऑलिव रिडली कछुओं के लिए उड़ीसा ही उनका आशियाना है और अपने प्रजनन के मौसम में वो अपने इसी आशियाने के सुरक्षित माहौल की तरफ हर साल लौट आते हैं। ये समुद्री पर्यावरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये जरूरी है कि हम प्रकृति के नाजुक डिजाइन को क्षति न पहुंचाएं। पर बदकिस्मती की बात यह है कि इनमें से कुछ ही समुद्र की सुरक्षित आगोश तक पहुंच पाएंगे। रास्ते में इन्हें कुत्ते, चीलें, केकड़े खा जाते हैं और कुछ कमज़ोर दम तोड़ देते हैं। पर हर साल की तरह वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, समुदाय, यहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो, और एनजीओस मिलकर एक प्रयास करते हैं इनको बचाने के लिए और समुद्र तक सुरक्षित पहुँचाने का। लगभग 2 महीने बाद अप्रैल के मध्य में अब कछुओं के लिए अंडों में से निकलने का वक्त है। बच्चे अमूमन पूरे चांद वाली 2 रातों को ही बाहर निकलते हैं। रात होती है तो चांदनी पूरे समुद्र को उजाले से भर देती है। यही वक्त है अंडों में से बच्चों के निकलने का। एक छोटा सा आकार अंडे को तोड़ता है और बाहर निकलने का संघर्ष शुरू हो जाता है। इनके जिंदा रहने के नजरिए से पहले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। केवल इनकी कुदरती वृत्ति ही इनका दिशा निर्देशन करती है और ये चांदनी से नहाए समुद्र की ओर बढ़ जाते हैं। लगभग सभी अंडों में से बच्चे एक साथ ही निकलने लगते हैं। ये बच्चे अपने एग टूथ का इस्तेमाल करके बाहर आते हैं और तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं। पूरे तट पर हजारों बच्चे नजर आने लगते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इनकी जिंदा रहने से जुड़ी एक रणनीति है। परभक्षियों की मौजूदगी में अपनी बड़ी संख्या के बल पर इनके जिंदा रहने के मौके बेहतर हो जाते हैं। कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि समुद्र की ओर इनका दौड़ना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये प्रक्रिया छोटे छोटे बच्चों के दिमाग पर एक सूचना को नक्श कर देती है। इसी सूचना के बल पर ये अब से 16 साल बाद अंडे देने के लिए इसी समुद्र तट पर आएंगे। समुद्र इस नई पीढ़ी का स्वागत करता है। लेकिन कभी कभी बादलों की वजह से चांदनी बाधित हो सकती है और तब अंधियारी रातों को ही बच्चों को अंडों से निकलना पड़ता है। इससे एक नया खतरा पैदा होता है। अंडों वाले इन इलाकों के आसपास कई शहर, फैक्ट्रियां और गांव पनप गए हैं जिनकी रोशनी से आसमान कृत्रिम रूप से रोशन हो जाता है। इन फैक्ट्रियों की चमकदार रोशनियों से भ्रमित होकर ये बच्चे समुद्र के बजाय जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रोशनी की ओर पहुंचने की कोशिश में कछुओं के हजारों बच्चे मारे जाते हैं। खुशकिस्मती से इस साल गांव वाले और स्वयंसेवक दोनों ही चौकन्ने थे। उन्होंने अंडों वाले घोंसलों की निशानदेही कर ली थी और उन्होंने इन बच्चों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद इन्हें समुद्र के नजदीक छोड़ दिया गया। अंडे से बच्चे निकलते हैं ना, जब हम उस बच्चे को लेकर उसके माँ के पास छोड़ते हैं। जैसे बच्चा अगर पैदा होने के बाद जैसे अपनी माँ के पास जाने के लिए तड़प रहा है, वो बच्चे भी वैसे ही तड़प रहे थे कि उनकी माँ के पास जाने के लिए। वैसे ही हमने भी, अगर बच्चा को और माँ को अलग कर दिया जाएगा तो कोई नहीं रह सकेगा। फैक्ट्रियों की रोशनी का कोई स्थायी समाधान ढूंढने की जरूरत है, खासकर प्रजनन के मौसम और अंधेरी रातों के दौरान। कुछ आलोचकों और फैक्ट्री मालिकों को इस बात पर यकीन ही नहीं है कि अंडों से निकलने वाले कछुओं के बच्चे रोशनी के पीछे पीछे चलते हैं। तो एक प्रयोग के तौर पर हमने समुद्र तट पर एक टॉर्च छोड़ दी
अंडों से निकले 100 बच्चे इसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। इससे पर्यावरणवादियों की उस चिंता की पुष्टि हो गई जो उनके दिल में कई साल से कायम थी। ऐसा माना जाता है कि घोंसले के एक खास तापमान पर 50% बच्चे नर पैदा होते हैं और 50% मादा। इस तापमान के बढ़ने पर मादा बच्चे पैदा होंगे और इसके कम होने पर नर। नर जिस तट पर पैदा होते हैं उसे एक बार छोड़ने के बाद वो उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते हैं। सिर्फ मादाएं ही यहां फिर लौटेंगी। उन्हें वयस्क होने और जीवन के चक्र को जारी रखने के लिए इसी समुद्र तट पर लौटने में 16 साल लगेंगे। उड़ीसा के तट पर हजारों बच्चे अंडों से निकलते हैं और ये पृथ्वी पर जीवन के दोबारा उत्पन्न होने से जुड़ा कुदरत का एक बहुत ही शानदार नजारा है और हमें इसे सुरक्षित रखना है। अगर हमें ऑलिव रिडली कछुओं को जिंदा रहने का एक और मौका देना है तो जरूरत है एक मिलीजुली कोशिश की। We'll be protecting that area with involving local people and by involving our staffs. उस क्षेत्र की रक्षा के लिए हमने कुछ स्थानीय और अपने स्टाफ के लोगों को शामिल किया है। हमने कुछ शिविर भी समुद्री तट पर लगाए हैं जो उनकी दिन और रात सुरक्षा करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप देख सकते हैं कि तटीय क्षेत्र में आपको हाईलाइटिंग नहीं दिखाई देगी क्योंकि जब वे अंडे से बाहर आते हैं तो उन्हें रोशनी परेशान करती है। अगर कोई बनावटी रोशनी उनके और सूर्य की रोशनी में आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और समुद्र में जाने के बजाय कहीं और जाने लगते हैं। About the direction they go into sea, they go somewhere else. फैक्ट्री मालिकों को भी स्थानीय समुदायों, गाँव वालों और स्वयं सेवकों के साथ संरक्षण से जुड़े प्रयासों में हिस्सेदार बनना होगा। अंडों से बच्चे निकलने के मौसम में रोशनियों पर शेड लगाया जा सकता है या उन्हें मंदा किया जा सकता है। इससे कछुओं के छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित समुद्र तक पहुंच सकेंगे। मैकेनाइज्ड ट्रॉलरों और मछली पकड़ने वाली नावों की आवाजाही को इस संरक्षित इलाके में खास तौर पर प्रजनन के मौसम के दौरान रोक दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में सभी मछुआरों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए ऐसे जाल इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें से कछुए आराम से निकल सके। इस साल गांव वालों, मछुआरों और स्वयं सेवकों के स्थानीय समूहों की मौजूदगी और प्रयासों से हालात काफी बदले हैं। हजारों छोटे छोटे नाजुक कछुए सुरक्षित रूप से समुद्र तक पहुंच पाए। अब से कई साल बाद इनमें से कुछ जीव फिर इन्हीं समुद्र तटों पर वापस लौटेंगे और ये घटना इस बात का प्रमाण होगी कि जिन लोगों ने ऑलिव रिडली कछुओं को जिंदा रहने का एक मौका दिया उनकी कोशिशें बेकार नहीं गईं। प्रकृति के अद्भुत प्राणी ऑलिव रिडली टर्टल्स। इस साल 3 लाख से ज़्यादा टर्टल्स हमारे तटवर्ती इलाकों पर आए प्रजनन के लिए। एक संकेत था कि किस प्रकार हम सबका प्रयास एक बदलाव ला रहा है। ज़रूरत है इस समुद्री जीव को बचाने की, उसके लिए एकजुट प्रयास ही एक ठोस कदम है। और अब समय आ गया है साप्ताहिक क्विज का। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था, ये बाघ क्या कर रहा है? इसके व्यवहार को पहचानिए। What is this tiger doing? Identify this behavior. और इसका सही जवाब है, जहाँ कहीं भी अन्य बाघों या बिल्लियों ने अपनी गंध छोड़ी होती है या उनके रेखांकित इलाके में कोई अजनबी दाखिल होता है तो बाघ चाहे नर या मादा हो
ऐसी ही प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। इसको फ्लेमिन रिस्पॉन्स भी कहते हैं। और आज के विजेता हैं राजकुमार प्रजापत हरियाणा, दिव्य सिंघाल राजस्थान, विश्वतोष घोष पश्चिम बंगाल, रजनी भाटिया महाराष्ट्र, गीतांजलि रोहिल्ला उत्तर प्रदेश। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा अर्थ मैटर्स की तरफ से एक टी शर्ट और सर्टिफिकेट, और 10 विजेताओं को अर्थ मैटर्स के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट। और इस हफ्ते के पृथ्वी मित्र स्पेशल सर्टिफिकेट के विजेता हैं आकांक्षा गावेंद्र राजस्थान, रितेश कुमार आंध्र प्रदेश, अनुपमा ताम्रकर छत्तीसगढ़, मुक्सर अहमद तांत्रे जम्मू कश्मीर, विष्णु भाई गोपाल भाई परमार गुजरात, तावेंद्र सिंह पंजाब, इमदादुल हक असम, अखिलेश देशपांडे कर्नाटका, पारस जोशी उत्तर प्रदेश और पटेल अपूर्व के गुजरात। और हमारे इस हफ्ते का सवाल है, इस पक्षी को देखिए और पहचानिए, आइडेंटिफाई दिस बर्ड। अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है अर्थ मैटर्स, पीओ बैग नंबर 3, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110048। और हमारा ईमेल आईडी है dd.earthmatters@gmail.com। हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने अपने सुझाव, विचार या कोई प्रश्न हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमें आपके ख़तों का बेताबी से इंतज़ार रहता है, और ये सराहनीय भी है कि कई दर्शक हमें लिखते हैं सुझावों के साथ और अपने विचारों के साथ। अगले हफ्ते तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।